सबसे पहले चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 ये आपके जो साइंस की बुक है ये एक ही है, तीनों पार्ट इसी में है, केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अब, हमने जो अप्रैल में पढ़ा था दैट इज केमिस्ट्री पार्ट, बायो पार्ट बीच में है जो भी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम दो चैप्टर कम्प्लीट करेंगे फिजिक्स पार्ट के, क्योंकि दो चैप्टर हम केमिस्ट्री पार्ट के कम्प्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स पार्ट में जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था दैट इज फोर्स एंड प्रेशर, एंड जो 12 चैप्टर है फ्रिक्शन, ये इंटर रिलेशन में है दोनों चैप्टर, बिकॉज हमने फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा ही सही लेकिन टॉपिक हमने फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने फ्रिक्शनल फोर्स भी पढ़ा था कि एक अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स है जो सभी सरफेस पर लगता है, ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स पर सरफेस पर लगता है, ये हमारे मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहां हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था ये कि एक अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड या वैल्यू इक्वल होती है ये। अब इसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर है चैप्टर 12 दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन है ये हम चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है फ्रिक्शन, चैप्टर 11 में हमने पढ़ा है। तो यहाँ चैप्टर 12 सबसे पहले की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। की पॉइंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन, जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 11 में। सेकंड होगा इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या इफेक्ट होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है। की पॉइंट्स पढ़ने से ये है कि हम एक आइडिया लग जाता है हमें कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा और कितने टॉपिक हैं इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन, कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों जरूरी है फ्रिक्शन। इसके बाद जब हम यूजफुल पढ़ेंगे तो हम हार्मफुल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर हम वो हमारे लिए यूजफुल है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्म जरूर होता है उस चीज से, तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के। इसके बाद फ्रिक्शन की फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। एंड लास्ट कंट्रोलिंग फ्रिक्शन, कि हम किसी भी फ्रिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक विल बी फ्लूड फ्रिक्शन, फ्लूड मीन कोई भी जो लिक्विड है उसका क्या फ्रिक्शन होता है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक डायग्राम दिया हुआ है, इट वॉज ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, कोल्ड विंटर मॉर्निंग थी, रिया एंड राज वर गोइंग टू स्कूल, रिया एंड राज स्कूल जा रहे थे, दे वर फीलिंग कोल्ड, तो उन्हें ठंड लग रही थी बिकॉज विंटर थी, देयर हैंड्स वर वेरी कोल्ड, उनके हाथ भी बहुत ठंडे थे। राज टोल्ड रिया टू रब हर हैंड्स एज ही डिड, कि अपने दोनों हाथों को रब करो, नॉर्मली हम विंटर्स में करते हैं, सो दैट दे गेट वॉर्म, जिसकी वजह से वॉर्म हो जाए हमारे हैंड। कैन यू टेल द रीजन, ऐसा हम क्यों करते हैं विंटर में, या रिया एंड राज ने ऐसा क्यों किया। इमेजिन ए सरफेस विदाउट एनी फ्रिक्शन, आप सोचिए कि कोई एक सरफेस इमेजिन कीजिए जहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू मूव ऑन सरफेस विच हैज नो फ्रिक्शन टू सपोर्ट यू, मीन ये है कि अगर कोई भी व्हीकल चल रहा है या हम चल रहे हैं, मोशन जब ही है जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, हम विदाउट फ्रिक्शन हम इवन एक स्टेप भी नहीं रख सकते। कैन यू ओपन ए स्टील टम्बलर इफ योर हैंड्स आर ऑयली एंड ग्रीसी, अगर हमारे हाथ पर ऑयल होता है तो क्या हम किसी भी टम्बलर को खोल सकते हैं, किसी भी डिब्बे को। यू पिक ए मोबाइल फोन टू टॉक बट इट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स नो मैटर हाउ हार्ड यू होल्ड इट, हम जो मोबाइल फोन होते हैं कई बार हमारे हाथ से स्लिप कर जाते हैं चाहे हमने कितना भी टाइटली उन्हें पकड़ा हुआ है। यू मूव योर फूट टू स्टार्ट वॉकिंग बट देन गो ऑन स्लिपिंग एंड नेवर स्टॉप इन एनी वे, अगर हम किसी भी स्लिपरी जगह पर हम चल रहे हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं और रुकते नहीं है, तो आप रुकोगे कहाँ, जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम एक स्टेप भी बैलेंस्ड स्टेप नहीं रख सकते हैं, या आप स्लिप ही होंगे। ऑल दिस वुड हैव एक्चुअली हैपेंड इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन, ये सब कब होगा, अगर फ्रिक्शन कभी भी नहीं हो तो। यू वुड नॉट हैव बीन
तो हम किसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही रुके हुए हैं, वरना हम स्लिप हो जाएंगे अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स हम पर नहीं लगेगा तो। सो फ्रिक्शन इज सच ए विटल फिनोमिनन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स अधूरी है फ्रिक्शन के बिना। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन को एक कंप्लीट टॉपिक बनाया गया, कंप्लीट चैप्टर बनाया गया जिसके बारे में जानना जरूरी है। इनफैक्ट द वर्ल्ड वुड नॉट हैव बीन द वे इट इज नाउ इफ फ्रिक्शन वर नॉट देयर। जैसा ये वर्ल्ड है वैसा नहीं रहे अगर फ्रिक्शन ना हो तो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल गिफ्ट ऑफ नेचर। तो नेचुरली जो हमें एक गिफ्ट मिला है दैट इज फ्रिक्शन। Why does a vehicle ultimately stop when brakes are applied? तो हम किसी भी व्हीकल पर अगर हम ब्रेक लगाते हैं देन वो व्हीकल है जो स्टॉप हो जाता है। रीजन क्या है कि जो ब्रेक्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं व्हीकल पर। Why do you slip when you step on an oily surface? Why do you find it difficult to walk on a smooth surface? किसी भी स्लिपरी जगह पर हम इजिली वॉक क्यों नहीं कर पाते हैं? तो स्लिपरी जगह पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई वो हमें रोक नहीं पाता, हम स्लिप हो जाते हैं। और वेयर इज किसी खुदरी जगह होगी वहां पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है और हम स्मूथली भी नहीं चल सकते। व्हाई डज अ बॉल स्टॉप ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम व्हेन ए बैट्समैन हिट द बॉल लाइटली? अगर बैट्समैन किसी भी बॉल को हिट करता है तो पहले फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, दैट्स व्हाई वो जंप करती है एयर में। जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वहीं पर बॉल रुक जाती है। इसके बाद लेट अस फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन सबका आंसर फ्रिक्शनल फोर्स है। तो क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? इफ ए पुश और एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू मूव एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस ए लेवल फ्लोर, अनदर फोर्स इज इक्वली एसेंशियल टू स्टॉप इट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाएंगे, उसे मोशन में लाएंगे, तो हमें किसी फोर्स की नीड होगी। सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें एक अनदर फोर्स की भी नीड होती है। दिस स्टॉपिंग फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाई ए पर्सन और एन ऑब्स्टेकल। या तो स्टॉप करने के लिए दूसरा जो फोर्स लगा रहा है वो एक पर्सन भी लगा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट भी लगा सकता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो सरफेस का भी अपना एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑब्वियस फोर्सेस मूविंग ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली स्टॉप और कम टू रेस्ट। तो जहां फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाता है फर्स्ट फोर्स से, वहीं पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में आ जाता है। दिस इनविजिबल फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनविजिबल फोर्स होता है, सेकंड स्टॉपिंग फोर्स होता है ना कि मूविंग फोर्स, और थर्ड इक्वल क्वांटिटी का लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अभी मैं बता चुकी हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में मोशन है उसकी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेज में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट में आना नीडेड है। दिस मीन्स दैट दिस फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टेक्ट में होंगे फ्रिक्शनल फोर्स जब भी अप्लाई होता है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑल्सो। तो जो फर्स्ट फोर्स लगाया गया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट which opposes the motion of one body over the another या other is known as force of friction। ये कह रहा है कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो या फिर सरफेस हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड बाई ए फोर्स F, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगा रहे हैं दैट मीन कैपिटल F। यहाँ पर जो फर्स्ट फोर्स लगाया जाता है जो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है दैट इज कैपिटल एफ, उस फोर्स को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसमें जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 में जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है उसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। तो ये कह रहा है किसी भी बॉडी पर एक फोर्स एफ लग रहा है टुवार्ड्स द राइट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट एंड व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स टुवार्ड द लेफ्ट फ्रिक्शनल फोर्स टुवार्ड्स द राइट। ये कह रहा है आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक फोर्स
लगाएंगे। तो जो हमने चैप्टर 11 में फोर्स पढ़ा था, अगर वो लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो तो उसे मोशन में लाने के लिए लगाया जाता है। अगर आप वो जो फोर्स है अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आप फर्स्ट वाला फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन ये है कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फॉर द स्टॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लगाया जाता है या सरफेस खुद लगा लेता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कैपिटल एफ से हम फोर्स को लिखते हैं। तो चैप्टर 11 में पढ़ा है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन, मोशन में लाने के लिए कैपिटल एफ लगाते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसे स्मॉल एफ से लिखते हैं, एक्स अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, उस सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Hence, R and W represent the normal reaction and the weight of the body respectively. A frictional force always acts to oppose the motion of a body over a surface and is an example of contact force. तो बस आपको इतना याद रखना है कि equal magnitude का एक force है, opposite direction में लगता है और contact force का एक example है। इसके बाद है next topic, how friction originates. Friction कैसे लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फ्रिक्शन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द रफनेस और अनइवननेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज इज विद द इंक्रीज इन रफनेस ऑफ सरफेस। कोई भी सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, जितना ज्यादा खुरदरा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वहां उतना ही ज्यादा होगा। तो हम फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी रफनेस से, उसके अनइवननेस से। The reason why friction exists is due to irregularities on the surface of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी irregularities होंगी वहां पर जो resultant force होगा that will be frictional force. Every object has some irregularities on it. On general observation some objects may look smooth but on close observation even such object have some irregularities. ये कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट में irregularities एसेंशियल है, जरूरी होती है चाहे कम हो या ज्यादा हो। मे बी अगर आपको कोई भी सरफेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है स्मूथ दिख रहा है लेकिन अगर हम उन्हें जूम करके देखेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होती है और फ्रिक्शन होता है। इरेगुलरिटी या रफनेस जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना ही कम होता है, इरेगुलरिटीज और अनइवननेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। When an object moves over another object or medium, the irregularities on the surface of both the object and the medium interlock with each other. ये कह रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों पर ही लगता है जो दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। The irregularities that interlock provide resistance to motion of the object. We have already learned in the previous chapter that objects move only when unbalanced force in opposite direction are exerted on the object. तो हमने लास्ट चैप्टर में बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पढ़ा था। बैलेंस फोर्स में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स में दोनों तरफ से जो फोर्स होता है बैलेंस होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। तो मूव कब करेगा, जहां पर अनबैलेंस फोर्स होगा। तो अनबैलेंस फोर्स दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स जो आप लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट मीन ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में दैट मीन उस पर फ्रिक्शनल फोर्स और जो आपने फोर्स लगाया है वो जीरो है या फिर इक्वल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है दैट मीन एक फोर्स आपने लगाया दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर वो चलता जा रहा है दैट मीन जो आपने फोर्स लगाया वो ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है, दैट्स व्हाई वो चलता जा रहा है। जहां वो रुक जाएगा दैट मीन फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया। जब अपोजिट डायरेक्शन, अब ये स्टॉपिंग फोर्स है, ये मूविंग फोर्स है। मूविंग फोर्स जब तक ज्यादा रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जहां पर स्टॉपिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा वहां पर आपका ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, फ्रिक्शन के पीछे। इसके बाद है द ऑब्जेक्ट्स मूव टिल द टाइम ऑफ द फोर्स ऑफ इरेगुलरिटीज इज लेस देन द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन मूविंग द ऑब्जेक्ट। तो तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा जब तक जो आपने किसी भी पर्सन ने जो फोर्स लगाया है जब तक वो ज्यादा रहेगा मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग फोर्स, देन ऑब्जेक्ट मूव करेगा। नाउ पेज नंबर 136
The force of friction also arises due to the forces of adhesion when two rough surface come in contact. Many contact points are formed. जब भी कोई भी दो rough surface एक दूसरे के contact में आते हैं तो contact points बनते हैं जहां पर force apply होता है. The atoms or molecules present at such points of contact give rise to attractive forces of adhesion which oppose the relative motion of the bodies. इन शॉर्ट हम फ्रिक्शनल फोर्स को एडिशन फोर्स भी बोल सकते हैं. ये भी अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है. दस द फोर्सेज ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सर्फेसेज गिव राइज टू फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ही फ्रिक्शन होता है. ठीक है, इसके बाद एक एक्स्ट्रा माइंड है. द डिस्कवरी ऑफ फ्रिक्शन वॉज मेड बाई लियोनार्डो डा विंसी. इसके फ्रिक्शन की डिस्कवरी की थी. हिज डिस्कवरी ऑफ फ्रिक्शन इन 1699 वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई वेरियस साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन ऑफ वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. तो इन्होंने आप मेन याद रखना 1699 लियोनार्डो डा विंसी ने. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या फ्रिक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, किसकी प्रेजेंस में फ्रिक्शन होता है, किसकी प्रेजेंस में नहीं होता है. देयर आर वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट फ्रिक्शन. These factors may increase or decrease the frictional force acting between two objects. कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो फैक्टर है जो हम पढ़ेंगे ये या तो फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज. द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसेस. सबसे मेन किसी भी सर्फेस का नेचर कैसा है. अगर कोई भी स्मूथ सर्फेस होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. जितना ज्यादा सर्फेस रफनेस होगा उस पर रफ होगा वहां पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा. तो सरफेस कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स. इसके बाद द वेट ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके वेट पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स. क्लोजनेस ऑफ सरफेस एंड स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ सरफेस. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मोशन में है तो लेट अस स्टडी द इफेक्ट ऑफ दीज इन डिटेल. तो ये इसके जो फैक्टर्स हैं इसकी हम डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज. फर्स्ट इज नेचर ऑफ सरफेस. लेट अस कंडक्ट टू एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नेचर ऑफ सरफेस. दो एक्टिविटी है. एक्टिविटी 12.1 है टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ नेचर ऑफ सरफेस इन प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन. एक नेचर कैसा होगा किसी भी सरफेस का उसको ऑब्जर्व करने के लिए है. क्या करना है आपको. मेक ए स्मॉल पाइल ऑफ बुक्स ऑन ए पॉलिश्ड वुडन टेबल और ए स्मूथ सरफेस. मेक अ स्लाइड और एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हेल्प ऑफ ए वुडन बोर्ड. नाउ पुट ए रोलिंग ऑब्जेक्ट लाइक रोलिंग पिन और इलेक्ट्रिक सेल ऑन द टॉप ऑफ वुडन बोर्ड. जेंटली लीव द रोलिंग ऑब्जेक्ट विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स. नोट द डिस्टेंस फ्रॉम द वुडन बोर्ड एट विच द रोलिंग पिन स्टॉप्स. इस एक्टिविटी में भी नहीं, नॉर्मली आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें नीचे मान लीजिए पहिए लगे हुए हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसमें पहिए लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए चलने के लिए बिना किसी फोर्स के. तो वो कहाँ तक जाता है आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है. इतनी बड़ी एक्टिविटी की नीड नहीं है. इसके बाद है रिपीट द एक्टिविटी आफ्टर प्लेसिंग वुडन क्लोथ और सिल्क क्लोथ टर्न बाय टर्न. नोटिस द डिस्टेंस इन ईच केस वेयर द रोलिंग पिन स्टॉप्स. ये कह रहा है या तो आप पहले उस जो पहिए वाला ऑब्जेक्ट है उसको वैसे ही मूव कराइए कहाँ तक जाता है. उसके बाद उस पर थोड़ा वेट रखिए कहाँ तक जाएगा, थोड़ा और रखिए कहाँ तक जाएगा. तो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है सरफेस जो नेचर का. या फिर आप एक स्मूथ सरफेस पे चलाइए, किसी भी बॉल ले लीजिए एग्जांपल, या फिर किसी रफ सरफेस पर आप उस बॉल को चलाइए तो आपको नेचर ऑफ सरफेस पता चल जाएगा कि कहाँ पर ज्यादा मूवमेंट होगा कहाँ पर कम मूवमेंट होगा. ऑब्जर्वेशन क्या होगा. यू विल ऑब्जर्व that the distance was maximum in case of polished wooden table and minimum in case of woolen cloth. normally यही ऑब्जर्व हम करेंगे कि अगर कोई भी स्मूथ सर्फेस होगा वहां पर ऑब्जेक्ट ज्यादा मूवमेंट करेगा और कोई भी रफ सर्फेस होगा वहां पर ऑब्जेक्ट कम मूवमेंट करेगा. क्योंकि फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा मूवमेंट उतना ही कम होगा. this show that the polished and smooth surface produce less friction as compared to rough surface. इसके बाद एक्टिविटी 12.2 सेम है ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ नेचर ऑफ सरफेस इन प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन. क्या रोल होगा ये पता करेंगे हम.
प्रोसीड्यूर क्या है, यू मस्ट हैव सीन अ स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस आप सभी ने देखा होगा, टाई ए ब्रिक टू द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के एक हुक पर आपको एक नीट बांधनी है। इसके बाद प्लेस द ब्रेक ऑन अ मार्बल फ्लोर। पहले आप मार्बल फ्लोर पर रखिए उस ईट को और ट्राई टू पुल इट अलोंग द फ्लोर और खींचने की कोशिश कीजिए। नोटिस द रीडिंग इंडिकेटेड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पर क्या रीडिंग आ रही है आपको वो नोट करनी है। डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 136 पर आप देख सकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी ऑन रोड सर्फेस और वुडन फ्लोर। और जैसी एक्टिविटी को अलग अलग सर्फेस पर आपको करना है और जो इसकी रीडिंग होगी वो आपको नोट करनी है। बी केयरफुल टू ऑब्जर्व द व्हीकल्स व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑन रोड। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द रीडिंग शोन ऑन स्प्रिंग बैलेंस इज लीस्ट इन द केस ऑफ मार्बल फ्लोर एंड मैक्सिमम इन द केस ऑफ रोड सरफेस। द रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू फॉर मूविंग अ ब्रेक। ए लो रीडिंग इंडिकेट लेस फोर्स इज नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस लेस फ्रिक्शन। रीडिंग जितनी ज्यादा होगी दैट मीन फ्रिक्शनल फोर्स वहां उतना ही ज्यादा है। तो बोथ द एक्टिविटीज शो दैट द रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ सरफेस हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रिक्शन। जो हम पहले बता चुके हैं कि फ्रिक्शन में जो सबसे मेन रोल है वो अनइवननेस का है। रफनेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, वही ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। इसके बाद फ्रिक्शन इज लेस ऑन स्मूथ सर्फेस। स्मूथ सर्फेस पर फ्रिक्शन कम होता है बिकॉज इरेगुलरिटीज आर वेरी फाइन। Due to less interlocking of irregularities, there is less friction. Friction is more on rough surface because the irregularities easily interlock with each other. This result in more friction. तो यहाँ ये topic first जो है factors affecting friction, nature of surface complete होता है. Next हम next video में पढ़ेंगे. आपको क्या करना है इस chapter में, इसमें ही नहीं पिछले जितने भी chapters आपने पढ़े हैं उसमें आपने क्या सीखा है By your understanding, आपको notes complete करने हैं in the holiday homework मान लीजिए या फिर आपका घर का homework आप complete करेंगे। जो भी chapter पढ़ाया जा रहा है, जो भी key points हैं, main points हैं, जो मैं topic पढ़ा रही हूँ, मैं topic लिखाती हूँ, सबसे पहले आप topic लिखेंगे और उसके अंदर आपने कितना समझा है by your understanding आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे इन योर लैंग्वेज, ना कि बुक से नोट डाउन करना है आपको, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वो आपके पास बुक ऑलरेडी है। क्वेश्चन आंसर मैं लगवाती हूँ वो भी बुक में ही है। बाय योर अंडरस्टैंडिंग इन योर लैंग्वेज आपको कॉपी में नोट डाउन करना है ये चैप्टर और कम्प्लीटली आप साथ साथ करेंगे। जैसे 24 या 25 मिनट्स का वीडियो है तो आपका इससे ज्यादा का वर्क नहीं होगा। जितना भी पढ़ा है आपका मिनिमम 15 मिनट्स में आप उसको लिख के रख सकते हैं इन योर लैंग्वेज की। आपने वीडियो देखने के बाद